थानो गांव के ग्रामीण पिछले 8 दिनों से अस्पताल उच्चीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री एवं डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ही दलों के नेता पहुंचे। इस बीच दोनों नेताओं ने एक साथ कुछ पल धरना कर रहे ग्रामीणों के साथ बिताए, तो वहीं डोईवाला विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब धरना स्थल पर पहुंचे तो लोगों की उम्मीद की एक किरण नजर आई, पर उन्होंने मामले को केंद्र सरकार के अधीन बता दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और आगामी विधानसभा में सरकार बनने के बाद अस्पताल के उच्चीकरण का वादा किया। साथ ही उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ये हॉस्पिटल का उच्चीकरण की मांग हमारी थी, केवल हमारी एक सूत्र मांग है कि ये हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो, लेकिन मांग कोई बड़ी नहीं थी। विधायक जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये इसका उच्चीकरण होगा, और कहने लगे कि धरना से उठ जाओ, कोई धरना क्यों दे रहे हो। तो धरना से हम क्यों उठेंगे? हम धरना तब तक देंगे जब तक हमारे हॉस्पिटल का उच्चीकरण नहीं हुआ, तब तक हम धरना देते रहेंगे। हम तब तक धरना से उठेंगे नहीं यहाँ से, और हमारे हॉस्पिटल का उच्चीकरण होना चाहिए। विधायक जी तो जा रहे, और एम्स से हम इसको मुक्त करा के रहेंगे, हम एम्स से ही मुक्त होना चाहिए। विधायक जी तो 4.5 साल विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने तब से ये मांग चल रही है, अभी तक उन्होंने कोई हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई हमारी बातें नहीं सुनी। मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने इनसे बताया था कि भाई देखिए, ये भारत सरकार के मानक हैं, जो प्लानिंग कमीशन जो बना था देश की आज़ादी के बाद, उन्होंने उसके लिए सर्टेन कुछ मानक बनाए हैं, और इसलिए मैं इसके लिए भारत सरकार को आग्रह करूँगा कि यहाँ पर इस जो अस्पताल है इसका उच्चीकरण किया जाए। बाकी जो आपातकालीन सेवाएं हैं, इस राज्य में हर ब्लॉक में एक आपातकालीन सेवा थी, 108 जिसको बोलते हम लोग। मैंने 271 नई गाड़ियां खरीदी, जो पुरानी हैं वो अलग हैं। बाकी मैंने जो हंस फाउंडेशन है उनके माध्यम से तमाम मोबाइल गाड़ियां राज्य के लिए अपने कार्यकाल में करवाई हैं। 257 टेस्ट आज फ्री है हमारे अस्पतालों में, एक तरह से टेस्ट के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। आयुष्मान भारत जैसी योजना और आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें आज उत्तराखंड का हर परिवार आच्छादित है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब उनकी डिमांड जायज है, मैं मानता हूँ कि उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आखिर सरकार का के कुछ मानक हैं जिसके आधार पर काम होता है, तो उसके लिए अगर उसमें अगर कोई मानक में कोई शिथिलता करनी है तो हम उसके लिखेंगे। यहाँ थानों में जो अस्पताल के उच्चीकरण की बात है, जिसको लेकर के ग्रामीण विगत 8 दिवसों से धरने पर बैठे हुए हैं, और सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कोई संवाद उनसे स्थापित नहीं किया जा रहा है, ये बड़े खेद का विषय है। जहाँ तक मानकों का प्रश्न है, सरकार के पास अधिकार है कि वो मानकों में शिथिलता प्रदान करने का काम करे, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया है और मजबूरन ग्रामीणों को धरना देना पड़ रहा है। मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि वो इस मांग को जो है पूरा करने का काम करें, और अगर सरकार नहीं मानी तो हमारे पास सदन में जो है इस विषय को उठाने के अतिरिक्त ग्रामीणों के साथ खड़े होने का ही एक रास्ता है। लेकिन इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, थानो क्षेत्र के जो 26 ग्राम पंचायतें हैं, अगर 2022 में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, हम निश्चित रूप से इस अस्पताल का उच्चीकरण करने का काम करेंगे। देखिए, अब मुख्यमंत्री भी रहे, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ ये बड़े खेद का विषय है।